मम्मी दिवाली आई है, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? हैप्पी दिवाली। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। दिवाली आ रही है, 3-4 दिन बाद दिवाली है, इसमें आपका क्या कहना है? कहना यही है हैप्पी दिवाली गाइस। आप मेरी बात क्यों नहीं मानते, उसमें ऐसे क्यों डाल देते हो कपड़ों में इंसान? ऐसे सब दिन धोई, ऐसे डालूं तेरे बात क्यों मानूं? कंपनी ने दिया है डिटर्जेंट का डब्बा, बीबी का सिखा लियो, मुझे बहुत आता है। ये तो बात तमीजी की मार्केट वाली बात हो जाती है। तो गाइस फेस्टिव सीजन इज ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। के सर बढ़िया हो गए? मैं भी एकदम बढ़िया, मैं आपका दोस्त और होस्ट, नहीं ये तो दूसरे चैनल का है, सॉरी सॉरी। रीसेट रीसेट, हेलो, हाँ ठीक है, थोड़ा रीसेट करना पड़ेगा। तो क्या है ना, थोड़ा दूसरे चैनल की चीज़ आ जाती है माइंड में। तो यार गाइस दिवाली वाइब इज ऑन। देखो हमारी बिल्डिंग में लग गई हैं लड़ियाँ, जैसे कि आपको दिख रही होगी, अभी रात में जलेगी हो सकता है, तो कैसा लगता है देखेंगे। अगर हमें पर्याप्त अच्छा लगा तो इतनी लड़ी में काम बन जाएगा, अदरवाइज वी विल ऐड सम मोर लड़ीज बाय आर ओन। ये तो बिल्डिंग की लगी हुई है, हमारी नहीं लगी है। सबको अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से काम दिया गया है, जैसे कि पापा रेस्ट कर रहे हैं, पापा कुछ नहीं कर, पर मैं करवा रही हूँ, पापा मम्मी काम करवा रही हैं, सुपरवाइजर है। टाइसन अपना हाथ पैर खुद ही साफ करके क्या फाड़ रहा है, hey! टाइसन गंदगी फैला रहा है, जो कर सकता है वो दिमाग खा रहा है। मैं व्लॉग बना रहा हूँ, दी साफ सफाई कर रही है, मम्मी से बता रही है क्या करना है, और इसको भी अपने स्टैंडर्ड के हिसाब का काम मिल गया है। बचपन में ना ये ऐसे बैठती थी, इसकी मुंह की तरफ कैमरा कर। क्या हो गया भाई, कुछ तो हो गया, अपने आप फनी, मैं तो चाय बिस्कुट खा रहा था। कुछ याद आया, ये कुछ है। अरे क्या भाई, हमें भी बताओ यार, थोड़ा हम नहीं थे इसके बचपन में। ये बचपन में इसको भूख लग रहा था, ऐसे बैठती मुंह को अरे तो भूख बता मांग ले भाई, क्या हो गया, क्या खाना है? यहाँ से जाएगा ना गौशाला होते हुए जाइयो, मंगवा देता हूँ। ऐसे बैठी तो मैंने कहा बाहर गई थी कुछ खाई, तो क्या कह रही हूँ, भूख लगी है। मुझे वो पता चला है बचपन में ऐसे बैठती है, ऐसे करती, फिर तू गुस्सा देती, फिर घर में जो है ये नहीं खाना है। इतनी शरीफ बन गई है गाइस। आज तुम्हारा भाई चीज बना रहा है, इसे कहते हैं चिली गार्लिक पोटैटो शॉर्ट्स, और इसकी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये तो दिखने में कुछ ऐसा होता है, ऐसी इसकी स्टफिंग होती है, बहुत टेस्टी होती है, मज़ेदार वेज क्रिस्पी। इसकी रेसिपी क्या है, सबसे पहले आपने करना है तेल गरम। ये देखो कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है, ये वाला वेज फ्राई हो रहा है हमारा, इसको थोड़ा मीडियम कर देंगे हम, ताकि ये अच्छे से अंदर भी पक जाए और कलर भी आए, क्रिस्प भी हो जाए। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया हमारा। सेकेंड, आपको ऑयल लेना है, ऑयल गरम करना है। सबसे मेन और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, इसमें पोटैटो भी डलता है, गार्लिक भी डलता है, सब डलता है। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ये मंगाना पड़ेगा और ये मंगा के फ्राई करना पड़ेगा। माया ओ, बस इतनी सी रेसिपी है। यस, मंगाओ और मंगा के फ्राई कर लो। गाइस मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मैं अभी 2 घंटे पहले सो के उठा हूँ और मैं नहाया धोया भी नहीं हूँ। आज धनतेरस है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी धनतेरस टू ऑल एवरीवन, ऑल ऑफ माय व्यूअर्स। एंड उठते कल रात 6 बजे तक हमारे भाई में एडिट मारा इसको, ताकि आज मैं गेमिंग वीडियो बना सकूँ। और फुल प्लानिंग था कि 2 बजे बनाएंगे, 3-4 बजे तक अपना ख़त्म वतम कर देंगे, बढ़िया गेमिंग वेमिंग होगा, जो है सो है। अब क्या है, अब मेरे को ज़बरदस्ती मार्केट लेके जाया जा रहा है धनतेरस पे, और मेरे को नहाने भी नहीं दिया गया है, और जो मेरे को लेके जा रही हैं ज़बरदस्ती, आओ उनको दिखाता हूँ वो कितना बन ठन के परफ्यूम मार के जा रही हैं। मुझे साफ सुथरा कमरा अच्छा लगता है। अरे मेरी माँ, वो तुलसी होगा तेरी में की, देख रहे हो मेरे साथ हिंसा होती है, तो ये सब मैं सरकार की नज़रों में डालना चाहता हूँ। और टाइचू कितना मीरे, अच्छा कैमरा आ गया, मैं रुक जाता हूँ। क्या हो गया, क्या हो गया टाइसू को, मम्मी ने भला बुरा कह दिया है बेचारा उदास। नहीं बुरा नहीं मानते, मम्मी की बात कर, राघा को देख बचपन से लात जूता खा रहा है। कोई टेंशन वाला बात नहीं है मोटू। अरे जाओ मालिक, तुम्हारी इज्जत नहीं होगी, हमारी तो है। बुरा कह दिया भाई को। अरे टेबल क्यों चाट रहे हो, उसको क्यों चाट रहे हो? हैप्पी धनतेरस बोल सबको। हैप्पी धनतेरस साहब लोग का, हैप्पी धनतेरस बोल बोलते। ओ भाई तो बेइज्जती मारी यार, भाई खतरनाक, भाई खतरनाक डेंजर कर रही है। वाह वाह, क्या बेइज्जती करी है। चले वहाँ मदर टेरेसा,
हेलो लेडी फिंगर, चलते हैं गाइस दिवाली फेस्टिवल दिखाते हैं आपको, जाओ कैमरा मैन दिखा के ला। यो सर वेलकम बैक, और आज है छोटी दिवाली। तो सबसे पहले हैप्पी छोटी दिवाली टू ऑल, और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको दिवाली की। और आज दिवाली की सुबह है, हम उठे हैं, और कल मैंने मम्मी को बोला था कि राजमा ऐसा पानी में डाल के छोड़ दो ताकि कल मैं बना सकूं। तो आज वही आधा कार्यक्रम मम्मी ने कर दिया है, राजमा को कुकर वूकर में उबाल दिया है, और आज फर्स्ट टाइम मैं बनाने जा रहा हूँ राजमा चावल। तो चावल तो बन ही गया है, राजमा बनाएंगे, देखते हैं कैसा बनता है कैसा नहीं बनता है। और जो रेसिपी का थोड़ा हमने टच लिया है, थोड़ा काफ़ी मतलब थोड़ा बेसिक समझा है कि क्या कैसे क्या होना है, वो जो हमारे गुरु हैं शेफ रणवीर बरार, हम उन्हीं की वीडियो देखते हैं। मतलब मैं मोस्टली ट्राई करता हूँ कि मैं वहीं से कुछ भी बना रहा हूँ तो मैं वहीं से देखूँ वहीं से सीखूँ, उसके बाद अपना कोई टच देना है कि मतलब ये ज़्यादा वो कोई कम उस टाइप में, तो वो अपना अलग चीज़ हो गया। बट बेस तो मैं वहीं से सीखता हूँ, और जितना कुछ मैंने आज तक बनाया है सीखा है सब उन्हीं से। सो ही इज़ माई गुरु बेसिकली। उनको पता नहीं है, वो मेरे गुरु दौड़ना चाह रहे हैं, मैं उनका एक लव्य हूँ, तो उनको पता नहीं है कि ऐसा कोई है भी। तो ऐसा है, बनाते हैं राजमा चावल। खड़े मसाले और कुछ इधर के मसाले, जैसे हम गार्लिक जिंजर एंड तेज पत्ता मम्मी ने उबाल के रखा हुआ है, तो ये तो बाद में डलेगा क्योंकि इसका काम हो चुका है। अभी हम जो तैयार करेंगे वो करेंगे राजमा का मेन चीज़, राजमा की लीड़ की हड्डी जिसे कहते हैं, राजमा का मसाला। तो अभी जो हमारे पास कट कट आके हमको मिला है वो है प्याज, व्हाट इज दिस, टमाटो एंड चिली। अभी हमें बाकी कुछ कुछ चीज़ें और चॉप करनी है, जो साथ साथ आपको पता चलेगा, और साथ साथ अपन करेंगे। फिलहाल तो अपने को इसको कर देना है, सोच रहा हूँ मैं प्याज को भी कर दूँ, थोड़ा ईजी हो जाए, उसको करते हैं 2 मिनट में। रुको, तो गाइस हमारे राजमा की रेसिपी में सबसे पहले डालने जा रहा है वो है एकदम ये, व्हाट इज दिस, गेस करो, चलो क्या बात है, घी। घी क्या है, बहुत हेल्दी होता है घी, आप कितना भी खा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। यू कैन हैव एज मच एज घी यू वांट, इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। सीड ऑयल से तो बेटर ही होता है, बात यह है बेसिकली। थोड़ा सा ऐड करेंगे ऑयल भी, जैसा कि हमें बताया गया था, तो हम बात काटते नहीं हैं, हम डाको के खानदान से है। थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, दैट्स इट इज़ मोर देन इनफ। हमें कहते हो हमें घी ज़्यादा चलेगा लेकिन तेल ज़्यादा नहीं जमेगा, इसलिए हमने घी ज़्यादा रखा, तेल रखा अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। अब इसमें पहले अपन डाल देते हैं अपने खड़े मसाले। तो गाइस इधर देखिए, पहले यहाँ देखिए, नज़र मारिए, तो यहाँ पर हमने खड़े मसाले डाल दिए थे अपने, और उसके बाद जैसे हल्का हल्का ब्राउन रंग पकड़ ले, जैसे अपना खड़ा मसाला पकता है पक जाए, तो उसमें अपना वो क्या होता है जो रुला देता है घर को, नहीं नहीं बीवी नहीं, ये अनियन डाल देने का। इसमें अनियन को ऐसा ब्राउन करने का जब वो थोड़ा ऐसा गोल्डन ब्राउन टाइप। तो गाइस यहाँ हमारा जो प्याज है वो ब्राउन टाइप हो गया है, तो अब इसको नाइजीरियन ब्राउन होने से पहले कोई इंडियन ब्राउन में ही हम टमाटो ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसको टमाटर को तब तक पकाएंगे जब तक इसे कच्चापन चले जाए, फिर इसमें हम ऐड करेंगे हमारे मसाले। यहाँ पे हमारे टमाटर का जो थोड़ा कच्चापन है वो जा चुका है, तो इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। मेरा कैमरामैन अभी है नहीं, वो चला गया नीचे, ले दिस मच इज़ ओके, यस। धनिया में कंजूसी मत करना गाइस, धनिया जो है वो ठोक के डालना है था उन्होंने बोला था। थोड़ा सा लाल मिर्च, ये देगी है कि कश्मीरी है, मिर्ची वाली है, ओके देगी मिर्च है। गाइस ये हमारे मसाले ऐड हो गए, मसाले में हमने दिया है हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, गर्म मसाला। अब इसको मिलाने का, अपना मसाला भुजने का, अपना मसाला जो है वो इस पर ऐसा ऐसा पका लेने का। हल्का सा वाटर ऐड कर देंगे ताकि जो हमारा मसाला है उसको थोड़ा वाटर मिले और पकने में थोड़ा सही रहे। तो हल्का पानी ऐड करके, जैसे पाव भाजी बनाते वक्त नहीं हल्का हल्का पानी का छींटा मार के मसाला पकाते हैं, ऐसे टाइप का कर सकते हो। मेरा आपका अगर प्याज और टमाटर ज़्यादा है तो आपका तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मेरा थोड़ा कम था, तो अब ऐसा जैसे थोड़ा सा हो गया है तो ऐसे करके इसको जो है हम इसका मसाला पका लेंगे जब तक कि खुशबू ना मारे, मतलब खुशबू ना, खुशबू मेरे दोस्त का नाम है, सॉरी खुशबू, अपॉलॉजी लेटर। तो भाई मम्मी कहती है कि जब भी आप मसाला पकाओ जब वो तेल छोड़ने लग जाए, अब मेरी कढ़ाई में देखो ये जो आप देख रहे हो ये तेल छूट रहा है,
जब ये आने लग जाए तो मतलब आपका मसाला पक गया है। तो हमारा मसाला भी गया है पक। अब इसमें हम करेंगे राजमा ऐड। राजमा ऐड करने से पहले हम इसमें ऐड करेंगे सबसे ज़रूरी चीज़ भारतीय रसोई की, जिसको कहते हैं धनिया, जो हमारे से शेफ रणवीर बरार को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, हमें भी बहुत पसंद है। वेज नॉन वेज कुछ भी हो, धनिया ठोक के डालो, मज़ा आता है। नॉन वेज में खास करके और चिकन में बेसिकली मेरा जो प्रेफरेंस है कि चिकन में ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो थोड़े से धनिया ऐड कर देंगे ताकि मसाले साथ थोड़ा सा पक जाए, और बाकी का बचा हुआ धनिया हम ऐड करेंगे बाद में। ऑलमोस्ट सब काम हो गया है, मामला सेट हो गया हमारा। फिर हम इसमें अपना राजमा ऐड करेंगे जो कि हमारे कुकर में है, जो हमने आपको पहले दिखाया था। आपको नमक ऐड करने वाला पार्ट बताना ही भूल गया था, अभी करना होता है, कर देना। मम्मी करिए नानी से बात ना। इसमें हम अपना थोड़ा इससे इसमें राजमा को थोड़ा थोड़ा मैश कर देंगे ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो थिक बने। बनती इसी से है, राजमा को पीस पीस करने से। सबको नहीं करना है, मतलब ऐसा हो 60-40 हो जाए। अब गाइस देखो, जैसे थोड़ा सा हमारी जो ग्रेवी है सेमी थिक हो गई, जो पहले इसमें हमने राजमा उबाला था। अब जैसे हम इसको ऊपर उठाएंगे तो कुछ टूटे हुए राजमे ऊपर आएंगे, कुछ सीधे आएंगे। ये बस इतना ही चाहिए कि सारे ना टूटे और सब पूरे भी नहीं रहे। 60-40, 40-60 जो आपको रखना है वो रख लो। टाइम टू ऐड राजमा इन कढ़ाई। चार राजमा अंदर रह गए, तुम कैसे बचोगे, ऐसे पूरे लगे हैं। इसको अच्छे से मिक्सिंग करना पड़ेगा, अभी तो मसाला इसके बाद मिक्सिंग होगा। ग्रेवी अभी से ही थिक हो गई हमारी, इसमें बाद में पानी ऐड करेंगे ताकि पूरा ये ना हो जाए कि एकदम थिक हो जाए, चिपक जाए आपस में। एट द एंड वी विल ऐड सम वाटर। फिलहाल तो अपना गैस फ्लेम करते हैं हाई, और इसको मिलाते हैं राजमा और मसाला को अच्छे से, इनका संगम करते हैं ताकि इनको काजल ना लगाना पड़े, ना नज़र लग जाती है। ये देखने में कैसा लग रहा है तेरे को कैमरा मैन? अच्छा है। आगे और कुछ बोल ले भाई, कुछ तारीफ कर ले, अभी बना नहीं है पर स्टिल अच्छा लग रहा है, है ना। मेरा मेन मोटिव पता क्या था? देखो पापा जो है मेरे, वो होटल इंडस्ट्री में काम किए हुए हैं, ठीक है, बाय बर्थ बाय बर्थ वो होटल इंडस्ट्री में रहे हैं, ठीक है। तो उनका जो खाने को लेके टेस्ट है ना, उसका नज़रिया अलग है। वो बहुत टेस्टी चीज़ें सब खाए हुए हैं, ठीक है, और 25-30 आई गेस इतने सालों का एक्सपीरियंस है उनका इन चीज़ों में। मेरे को लगता है अगर पापा तारीफ़ कर दिए ना, मतलब हाँ कि मैं थोड़ा अच्छा कैटेगरी में चला गया। पापा मेरे पास्ता की बहुत तारीफ़ करते, तो मेरे को वो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ चलो भाई, मेन जो हमारे सुपर जज हमारे पापा हैं। तो गाइस पानी वानी डाल के हमारा राजमा हो गया है सेट, ये देखो। और अब इसको थोड़ा बॉयल होने देंगे, और पानी एक्स्ट्रा इसलिए ऐड करना कि बहुत थिक ना हो जाए, और लिमिट में देख के पानी ऐड करना अपने हिसाब से कि बहुत पतली भी ना हो जाए, एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी रहे, एक थिकनेस भी मेंटेन रहे और थोड़ा पतला भी ना लगे। अभी इसमें बॉयल आएगा तो हमारे में हल्की थिकनेस और आएगी, हल्की सी, देखेंगे किस हिसाब से रखना है। बाकी राजमा तो ऑलमोस्ट हमारा रेडी है, पर इसमें हम ऐड करेंगे सबसे प्राइम चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़, हरी धनिया। देख रहे हो कैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, ये देखो लाइट भी खुद ही फंसा रखी है मैंने हाथों में, कैमरा भी खुद ही पकड़ रखा है, कैमरामैन भाग गया मेरा, वहाँ जाके बैठा है लेडीजों के बीच में जाके बात कर रहा है। और बहू कब तक खाना बनेगा, भूख लगी है? सासू तुम्हें खाना नहीं देंगे, तुम हमें नाश्ता नहीं दिया आज, भूखा रख दिया आज हमारी माँ ने हमको। अरे बहू कितनी देर में खाना बनेंगे? ऑलमोस्ट डन, धनिया डालना है थोड़ा सा और वो होगा, धनिया अपना डालना है, इसको थोड़ा सी देर और पकने देना है, और आपके राजमा है रेडी। मम्मी नींबू दिए यानी कि मसाला तेज हो गया? नहीं राजमा के साथ नींबू और कच्चा प्याज होना ही चाहिए। यहाँ मम्मी हमारी थाली सजा रही है, प्याज नींबू डल गया है। दी अकेले खाएगी लेकिन ये मैं और राघव मम्मी मिलके खाएंगे। अच्छा है, कबाश। मैं सभ्य सुशील पति हूँ, एक बस पत्नी मिल जाए एक बारी। अरे बेटा तू करो। नॉट बैड, फर्स्ट टाइम वेरी गुड। कि जिसको मेरी बहू बनना है तुलसी में जल डालना शुरू कर दो तो मैं मिल जाऊँ शायद। सारे गुण है मेरे बेटे के अंदर। 16 सोमवार भी कर लेना। गाइस राजमा अच्छे बने हैं, नो डाउट। इसका टेस्ट डबल पता है कैसे होगा? ऐसे मम्मी के हाथ से। ये गुड जवाब यार। साथ में प्याज रखने का और अप्रतिम। तो गाइस आज के ब्लॉग को कर देते हैं बैंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल पर नए हो तो मैंने सब्सक्राइब किया मत जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। आपसे मिलते अगली वीडियो में, तब तक लेट गेट बाय, लव यू ऑल, स्टे सेफ, पीस आउट। एंड आप ये दिवाली वाले दिन ब्लॉग देखोगे तो हैप्पी दिवाली।
या फिर उसके एक दिन बाद भी देख सकते हो, या जब भी देखो हैप्पी दिवाली, क्योंकि 12 बज गए हैं। हैप्पी दिवाली।